इस दुनिया में तो इतनी अच्छी अच्छा गांव है जिसमें सब लोग सब अच्छे लोग हैं, सब लोग मेरी मदद की। तो मैं अभी और हम अभी खानदेशी संगीत के बारे में शोध कर रहे हैं, हाँ और मेरा सौभाग्य था कि ट्रेन पे मुझे दिनेश हाँ मिले। दीदी मिल हाँ, हाँ और उसके बाद तो मैं यहाँ तारे में आई, हाँ और हाँ बढ़िया पांच दिन पहले हाँ तो मैं यहाँ दिनेश के पिता माता के माता पास रही, हाँ और तो भूषण के परिवार ने मुझे मेरी मदद बहुत की। हाँ, और बहुत लोग यहाँ भी तो वैष्णवी और तो बिल्कुल साक्षी भी मेरी मदद बहुत की, और बहुत लोग यहाँ। तो पहली दिन हम यहाँ आई, और मैं मैंने शादी का प्रोग्राम लिखे, तो हल्दी प्रोग्राम का लिखा, और बहुत औरतें वहाँ थी जो पारंपरिक गाने गाती थी। और दूसरी दिन हम शादी गई दूसरे गांव में, और तीसरी दिन हम हल्दी का रिमूव सर हल्दी रिमूव के सेरेमनी सेरेमनी देखा। और हाँ, और तो इस दिन में हम भी परमपोली बनाया। तो मैंने बहुत बहुत नई चीज़ें सीखी, तो खानदेशी फूड कैसा बनाया जाता है, और लोग क्या करते हैं, कैसा तो प्रेयर करते हैं। और तो मुझे दुनिया बहुत में हैरानी तो है कि इतनी अच्छी अच्छा गांव है जिसमें सब लोग सब अच्छे लोग हैं, सब लोग मेरी मदद की। तो और हम खेतों पे भी गए, और हमने तो गेहूं के खेत देखा, तोर तोर हाँ थोर तोर के खेत तोर देखा, और हाँ हाँ कापूस कापूस कपूस भी हाँ हमने थोड़ी चुन थोड़ी कपूस निकले हाँ थोड़ी थोड़ी हाँ, सिर्फ थोड़ी थोड़ी, और खाल भी बहुत मजा था, क्योंकि तो बहुत औरत इस गांव से एक कमरे में आई साथ साथ, और वे साथ साथ तो पारंपरिक गाने, हल्दी गाने, शादी गाने ऐरानी में गाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ, मैं क्वेश्चन करूँ खानदेश में हमारे ताड़े गांव में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य था कि मुझे दिनेश को ट्रेन पे मिला, और हम यहाँ आई, और मैं 5 दिन यहाँ रही। हाँ, दिनेश को के माता पिता के साथ, और हाँ तो भूषण के परिवार के मेरी मदद की बहुत, और दूसरी लड़कियों भी। और हाँ, तो हमने खानदेशी खाना स्वाद किया, और मैंने महसूस किया तो कैसा खानदेशी खाना बनाया जाता है। और हाँ, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल खुश हूँ, और सब लोगों को तो मैं धन्यवाद।